अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट कॉर्नर में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जेके बोस के क्लास टेंथ के रिजल्ट के अपडेट देने जा रहे हैं। यहाँ पे जो वीडियो होगी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पासिंग परसेंटेज कितनी है, कितने दिनों का टाइम फिक्स किया गया है। स्पेशल वीडियो जो है ये जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए जो टेंथ क्लास में है। अगर आप सीरीज़ या रोल नंबर लिखना भी भूल गए हैं, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। और क्लास का रिजल्ट कब तक आएगा ये भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखा करो, आप आधी वीडियो देखते हो तो आप कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखा करो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जेके बोस से कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, हाल ही में यहाँ पर जो है कश्मीर डिवीज़न के टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स का यहाँ पर रिजल्ट आउट हुआ है। यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बता दूँ, जम्मू रिजल्ट जो है आपको 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेगा। क्यों, देखिए मैं आपको बता दूं, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट भी ऐसे ही यहाँ पे कश्मीर डिवीजन का 2 से 3 दिनों बाद निकला था। मतलब यहाँ पे जम्मू विंटर जोन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी आपको 2 से 3 दिनों में निकलने की संभावना है। यहाँ पे देखिए 2 दिनों का जो है टाइम फिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, 2 दिनों में देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम, अगर आप सीरीज या रोल नंबर लिखना भूल गए तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप आंसर शीट यहाँ पे अगर आंसर शीट पे आपने रोल नंबर या नाम वगैरह कुछ भी गलत है तो आपने अगर उस पर लिखा होगा, अटेंडेंस शीट पे लिखना भूल गए तो आप जो है पास हो जाएंगे। देखिए कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स भी यही मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उन्होंने कल मुझे मैसेज किया कि सर हम पास हो गए, हम लिखना भूल गए थे। तो मैंने बताया अगर आप आंसर शीट या अटेंडेंस शीट पर किसी में से एक पे अगर आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन उस पेपर के रिकॉर्डिंग लिखी है तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। इसकी मैं आपको दिलासा दिला रहा हूँ, यहाँ पर भरोसा दिला रहा हूँ। अब बात करते हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलेगा। 11th के रिजल्ट की बात करते हैं अब दोस्तों, 11th का रिजल्ट जो है आपको फरवरी 22 के बाद ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे चाहे जम्मू विंटर जोन के स्टूडेंट्स हों या कश्मीर डिवीजन के, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पासिंग परसेंटेज 10th क्लास की तो वो यहाँ पे अराउंड 80% है। यहाँ पे मैं जो जम्मू विंटर जोन के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे देखिए 11th क्लास वालों को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे उनका रिजल्ट भी आपको 22 तारीख के बाद देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे जम्मू या कश्मीर डिवीजन के विंटर जोन के स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ही फ्री होता है, सपोर्ट करें दोस्तों।